जय श्रम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि गाइस, आज मैं मौजूद हूँ उमरकोट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना शहर है। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू, और इस जगह पे जो कि काली माता का मंदिर है, बहुत ही प्यारा वाला व्यू है उसका, वो भी चल के आपको हम दिखाएंगे, विजिट करवाते हैं। और कृष्ण भगवान जी का भी मंदिर है, बहुत ही प्यारा है, उसका भी विजिट आपको कराते हैं। तो चलते हैं आगे। हम जो पिछले ब्लॉग में था, जो साजिन भाई जो ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए थे, तो साजिन भाई थोड़ा सा हमें डिटेल देंगे इस बाजार के, इस शहर की थोड़ी सी जानकारी कि ये मंदिर कितना पुराना और कितना बड़ा है। बेसिकली दोस्तों, मुझे इतना कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि ये जो अभी हम आपको मंदिर दिखाने वाले हैं, काली माँ का मंदिर, ये वैसे तो है काफ़ी ऐतिहासिक, मतलब के प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और इसके अंदर जो मूर्तियाँ, उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1998 में की गई थी, 1998 में उस वक्त ये मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई थी। और काफ़ी पुराना मंदिर है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पर चलकर आपको बताते हैं। तो चलते हैं, और इससे पहले हम आपको थोड़ा सा साइड का व्यू दिखाते हैं। ये देख रहे हैं बाजार, ये लगा हुआ है, और ये शहर है, सिटी है, जो कि आप देख सकते हैं। और अभी हम सीधा जा रहे हैं काली माता मंदिर में, तो वो आपको चलकर दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको व्यू दिखाएंगे बाजार का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली मंदिर के बिल्कुल क्लोजली पहुंच चुके हैं, और ये है कुछ इस टाइप का साइड का व्यू। और जैसे सिटी ख़त्म हुई, वैसे मंदिर का मतलब गेट में इंटरेस्ट शुरू हो गया। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, पीछे काफ़ी सारे यात्री आ रहे हैं और कुछ आगे चले गए हैं। तो ये है मंदिर का मेन गेट, इस साइड से ये है। ये मंदिर आ गया, और ये थोड़ा सा कुछ साइड का व्यू इस टाइप का है। अंदर तक चुके हैं हम। ये जो है साइड का हाल, जो कुछ इस टाइप का, ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर का मेन हाल ये है। और अंदर चल के भी हम आपको दिखाते हैं व्यूज का, अंदर चलते हैं अंदर। ये देखें, यहाँ पे एक चप्पलें उतारेंगे और फिर अंदर जाएंगे और अंदर का आपको विजिट करवाते हैं। सो चलते हैं, यहाँ पे कुछ लंगर हाल है, ये लंगर हाल भी बनाया गया है, या देखिए लंगर ले रहे हैं कुछ लोग, और ये है मेन इंट्रेस्ट इसका। और ये आप देख सकते हैं भगवान बजरंग बली की पिक, और इसके अलावा ये भगवान कृष्ण, और यहाँ से हम लोग सिंदूर लेंगे वो अपने माथे पे लगाएंगे। तो ये भाई हमारे साथ मौजूद है, कैसे? ये हमारे वीर कुमार, हाँ ये भी है, ये भी साथ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, ये भी यात्रा पे निकले हुए हैं, और ये भी इनकी बेटी है छोटी। मैं रमेश कुमार, रमेश कुमार, हमने आप ऑलरेडी आपको पहले नाम दिया हुआ है इस ब्लॉग में। अच्छा, ऐड हुए आप? हाँ जी, अशोक व्लॉगर, व्लॉगर ये लगाए पहले, साथ लगाते हैं आप, लगाए तो आप चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये है गणेश भगवान जी की मूर्ति, और ये है साईं बाबा जी की छोटी मूर्ति, आप देख रहे हैं ये है, और इसके अलावा ये दीप जलाया गया है, और ये गणेश भगवान जी की बड़ी मूर्ति। और इसे आके आगे चलते हैं माता पार्वती, और इसके अलावा ये है भगवान भोलेनाथ जी। तो चलते हैं इसके आगे, और भी दिखाते हैं हम आपको। ये माता सरस्वती, बाबा रामदेव, माता शेरों वाली, और भी आगे चलते हैं। और ये कुछ बुक्स रखी हुए हैं, लाइब्रेरी टाइप बनी हुई है ये छोटी सी धार्मिक। जय श्री कृष्णा।
वैष्णो देव, वैष्णो भगवान जी, विष्णु भगवान जी, गणेश जी भगवान, सरस्वती शिव जी भगवान, और इसके अलावा तो फ्रेंड इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी भी माता शेरों वाले की ये लगी हुई है, और इसके अलावा ये ऊपर से भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू है, और ये है झूला, इसमें हम झूला झुलाएंगे, तो चलते आगे। तो गाइस साथ में ही यहाँ पे ना ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे जो शिवलिंग यहाँ पे है भगवान भोलेनाथ जी का, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप पानी वगैरह, पानी से ये मतलब इसका बर्तन हो रहा है, शिवलिंग का है। और इसके अलावा यहाँ पे पास में ये पिक लगी हुई है भगवान भोलेनाथ जी की भी है, माता पार्वती की भी है, सो इधर माता शेरों वाले की, और इस साइड पे भी भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती और विद फैमिली, मतलब यहाँ पे पिक है उनकी, गणेश जी भगवान और कृष्ण भगवान जी। और अब हम आगे चलते हैं, सो तो गाइस इसके पास में ये मंदिर है माता काली, काली माता का मंदिर है ये, कुछ आपको अंदर से इसका व्यू दिखाते हैं, सोसाइट का व्यू कुछ इस टाइप का, ये देख रहे हैं ये चुनरिया वगैरह पड़ी हुई है, और इसके अलावा ये देख रहे हैं छोटा सा झूला लगा हुआ है, जय माता दी। और इसके अलावा ये है आप सकते हैं, ये काली माता की मूर्ति है, और देख सकते कितनी प्यारी लेवल वाली लग रही है, तो अंदर से व्यू कुछ इस टाइप का इसका, रिकॉर्ड में कृष्णा मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा लेवल वाला प्यारा व्यू है उसका भी, तो सो चलते हैं हम उसको आपको विजिट करवाते हैं। सोसाइट का विजिट कुछ इस टाइप का है, ये आप देख सकते हैं, ये टोटली मकान मतलब के हिंदुओं के हैं, 90% तकरीबन हिंदुओं के हैं यहाँ पे मकान, आप देख सकते हैं ये ओम लिखा हुआ है, देख रहे हैं, और कुछ इस टाइप का यहाँ का व्यू है, ये देख रहे हैं। आगे चलते हैं कृष्णा मंदिर पे। सो गाइज अब हम फाइनली मंदिर के क्लोज पहुंच चुके हैं, और मंदिर पे यहाँ पे ताला लगा हुआ है, सो कह रहे हैं कि अभी नहीं खुलेगा तो शाम को खुलेगा, और हमें जो कि वापस भी जाना है, तो इसलिए हम नहीं बना पाए, इसका विजिट नहीं कर पाए, सो चलते हैं वापस। और बाहर का कुछ व्यू इसका इस टाइप से है, ये देख रहे हैं मेन इसका गेट ये है अंदर जाने के लिए, आमिन भाई से पूछते हैं कि ये क्या वजह क्यों बंद है। जी भाई नमस्ते, क्या कैसे, क्या नाम है आपका? परशोत्तम। तो भाई ये मंदिर क्यों किस लिए बंद है ये अभी इस टाइम? अभी दिन को दोपहर की वजह से बंद है, आज प्रोग्राम था आज मंदिर का, आज आपको दिखा दूं। सो चलते हैं अंदर, कुछ प्रोग्राम था इसीलिए शायद ये बंद किया गया था मंदिर, और ये हवन था, ये आप देख सकते हैं ये हवन अभी भी मतलब के चल रहा है, ये जारी है अभी भी, और ये देख रहे भगवान जी की लगी हुई है यहाँ पे, पूजा वगैरह हुई थी, भंडारा था अभी मंदिर में जी, भंडारा था, हवन भी था, सत्संग आज रात को सत्संग करेंगे, प्रोग्राम था। और आई थिंक जो इतने सारे यात्री यहाँ पे आए हुए थे वो सारे खाली गए, तो उनके लिए कॉपरेट कर लेते, खोल लेते, नहीं होता ये सब कुछ? यात्री आए हुए थे, ये जो हिंगलाज माता के यात्री आए हुए जी, थे जी, वो मंदिर के हिसाब से आए हुए थे, आज ये जो प्रोग्राम था हमारे जो मंडली वाले ना वो शहर में गश्त के लिए हिसाब से गए, मूर्ति की स्थापना करेंगे शनि शिला की और बजरंगबली हनुमान जी की स्थापना है, इस वजह से जो है ना शहर में गए, और जो भी दोस्त आएंगे मंदिर शाम को अभी वापसी आधे घंटे घंटे में वो खोल लेंगे। जी हाँ, अभी चाबी उनके पास ही है, मतलब कि किसी और के पास नहीं है? नहीं, चाबी उनके ही पास होती है मंदिर की, अभी भंडारा साहब था, भंडारा साहब सारे करके अभी एक घंटे के लिए, क्योंकि कल भी फंक्शन था, कल भी सारी रात हवन था, कल भी प्रोग्राम था, आज भी हवन भी है और सत्संग भी है, कल हनुमान जी का जन्मदिन था वो भी प्रोग्राम मनाया था, तो जो बंदे सारे मंडली वाले उनकी नाइट में सारी रात उन्होंने सत्संग वगैरह सुना था, कीर्तन सुना था, तो नींद पूरी नहीं हुई थी, अभी इस वजह से घंटा दो घंटा खाना वाना खा के कोई रेस्ट के लिए कोई
प्रोग्राम के लिए बिजी है इस वजह से। ओके थैंक यू सो मच। सो चलते हैं आगे, सॉरी माजरत, हम नहीं दिखा पाए ये मंदिर का व्यू, तो अगर शाम को शायद आते तो शायद हम दिखा पाते, इसलिए क्योंकि हमें वापस भी जाना है। मेरी दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, साजिन व्लॉग ने, साजिन चौहान, मुरलीधर जो मंदिर है श्री कृष्ण जी का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, काफी प्यारा मंदिर है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अशोक भाई मेरी उस वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। हाँ थैंक यू सो मच। फाइनली आपको माता रानी का मंदिर भी बहुत ही ज्यादा व्यू अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। आज की वीडियो यहाँ पे कम्प्लीट होती है, आप आगे नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। तो ओके बाय बाय।